शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे आपकी इस नकारात्मक सोच का अंदाजा तो था, लेकिन ये नहीं जानता था कि आप अपनी बेटी की खुशी के लिए आप इस हद तक भी सोच सकती हैं। आपकी जो ये सोच है ना, वो रसाल की भलाई नहीं बल्कि बर्बादी की सोच है। और आज तक रसाल और रुक्मी के साथ जो भी कुछ हुआ है वो आपकी इसी लालची सोच का नतीजा है। आप मारे पर यो लांछन कैसे लगा रहे हो जवाई साहब? मैं आप पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि फिर से कोई बेवकूफी करके आप जग हंसा हिम्मत करवा लेना अपने। आप मुझे और मेरे परिवार को पंचायत के सामने खड़ा करके हमारी इज्जत उतारना चाहती है ना, जबकि ये कहते हुए आप ये भूल गई कि आप ही की पंचायत के सामने आपकी बेटी रसाल अभी तक कुंवारी है। आपकी याददाश्त के लिए एक बार फिर से याद दिला दूं, गांव की पंचायत के हिसाब से मैं रुक्मी का बींद हूं और रसाल अपनी नानी के यहां है। ये बात आप ही ने गांव की पंचायत में कही थी ना, और एक नहीं कई बार ऐसे मौके आए जब आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए मैंने यहां आकर पंचायत में साफ साफ कहा था कि मैं रुक्मी का बींद हूं। अब आप कैसे साबित करेंगे कि रसाल से मेरी शादी हुई है? मुझे धमकाते हुए एक बार भी आपने इस बारे में नहीं सोचा, और आपकी इसी बेवकूफी से साबित होता है कि किस हद तक आप अपनी बेटी रसाल की खुशियों की परवाह नहीं कर रही हैं। बर्बाद करने पर तुली हुई हूं उसे। अरे मारो दिमाग तो तब भी काम नहीं कर रहे हो तो, और आज अपनी छोरी रसाल की हालत देखकर मारो दिमाग भी पागलों सा हो गया। मारे को तो बस उसकी खुशी चाहिए। आज रसाल ने भी आप रे और रुक्मी के रिश्ते को स्वीकार कर लियो है। मैं भी इस मामले में चुप हूं जवाई सा। फिर क्यों आप मारी छोरी को तलाक देकर इस हवेली से और अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहते हैं जवाई सा? अगर आप सचमुच अपनी बेटी रसाल की खुशियां चाहती हैं, तो वो खुशी उसे केवल विक्रम दे सकता है। बहुत प्यार करता है वो रसाल से, ठीक वैसे ही जैसे जैसे पहले क्या करता था। अरे मैंने खुद विक्रम से पूछा है, वादा किया उसने मुझसे कि वो रसाल को बहुत खुश रखेगा, और मैं आपसे साफ साफ कह चुका हूं कि मैं रसाल को वो खुशियां नहीं दे सकता हूं वो प्यार। तो फिर आप अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रही हैं? कैसे होगा हमारी छोरी का भविष्य उज्जवल? आप उसे खुद से दूर कर रहे हैं जवाई सा। रसाल की जगह वो रुक्मी उस हवेली में राज करेगी, और हमारी छोरी रसाल को विक्रम कैसे आपकी तरह ऐसा आराम दे पाएगा? एक माँ होकर कैसे मैं अपनी छोरी को एक राजा से छुड़ाकर रंग के हाथ में दे दूं? आप भारी दुविधा को समझो ना जवाई सा। हे माताजी महाराज, बटे तो उस हिरणी ने मुझे शब्दों की दुलत्ती मार के भगा दियो, अठे इस भड़के हुए शेर को कैसे टेकल करूं? भगवान आप ही मदद करो। मैं के सुनियो है कहीं कहीं सुना है भाणजे थारे वास्ते, कहीं नहीं सुनियो थारे वास्ते। आप मारे को ये बताओ कि आपने मारा फोन कैसे काटा? अरे वही तो भांजे। क्या हुई तो? अरे वही तो सुना रहा हूं। पहले पहले मारी गर्दन छोड़ भांजे, छोड़। सब थारे कारण हुआ। अरे तू कस्तूरी से प्रेम से बात करतो तो वह भी थारे से प्रेम से बात करती। भी का एक्सप्रेशन देख के मने लागे तू कड़क के बात की है, इसलिए वो भी हुई है। मारा सकल देखो, क्या मैं आपको रोमांटिक फिल्म का हीरो लागू कि उसे रोमांटिक फिल्म के हीरो की तरह बात करतो? अरे भांजे, फिल्मों में तो विलन हीरोइनों पर डोरे डालने के लिए झूठे शब्दों का फूल फेंके है। अरे तूने तो एक पत्थर भी ठीक से नहीं फेंकियो है, हरी बात उसके दिल पे चोट कर गई है।
इसलिए वो पत्थर का जवाब ईंट से ले रही है भांजे। आपने मारे को फोन पे क्यों नहीं बताया? अरे थारे को उसके सामने कैसे बता दो भांजे, मैं तो उससे बात कर रही हो तो मैं उन्हें बोलियो तू घनी सुंदर है पर बेवकूफ है, गेली है। इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तूने, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आया भाण। अरे मामा साहब को अंग्रेजी में बात करने की क्या जरूरत थी? अरे आपकी अंग्रेजी तो मारे पल्ले ना पड़े तो उसके पल्ले कट्ठे पड़ेगी। अरे ठहर तो सही भांजे, मेरी बात तो सुन। जैसे ही मारे को पता लगा कि मारी अंग्रेजी उसके लिए पाउंसर है तो मैं गुगली फेंकी। अरे भांजे मैं थारी बड़ाई नहीं करता ना तो आज थारे को चिल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ता। अरे भांजे मैं थारी मीटिंग कस्तूरी के साथ थारे फार्म हाउस के दोनों जने स्विमिंग पूल में गोता लगाओगे। पण भांजे तभी आ गयो। कौन? उसका बापू? अरे कस्तूरी को बाप आयो हो तो मैं अठे कैसे पहुंचतो? जीजी को फोन आ गयो और बोली कि सब लोग गायत्री जीजी के अठे से निकल गए कि मैं थारे को सतर्क कर दूं, तू कहीं टल्ली ना पड़ी होवे। अच्छा भांजे ये बता, थारी रणवीर से बात होवे कि नहीं होवे? मामा साहब के पूछ रहो, दो दिन से उसकी शक्ल ना देखी मैंने। तो अब अकल से काम ले भांजे, अपना हुलिया ठीक कर और घर वालों के आने से पहले रणवीर से मिल और उसको बता कि तू उसके आसपास ही था। तेरे मिलने से पहले मैं रणवीर को मिलकर भूमिका बनाता हूं, समझो? आप सही बोल रहे हो मामा, मैं तैयार होके आता हूं, पट्टे बैठो। दीप भांजे को तो मैंने अपनी बातों से धो दिया है, अब रणवीर की बारी है, समझो? लेट्स गो। अरे मामा साहब आप कब आए? अरे बिन्नी मैं अट्ठे से ज्यादा दिन के लिए दूर थोड़ी रह सकूं हूं। अरे दीप के ऑफिस में हाथ जो बटाना पड़ा है मैंने। वो तो मैं जानू हूँ मामा साहब। अरे बिन्नी जान के भी अनजान बनी रहे तू। वो मैं रणवीर के कमरे में गयो तो रणवीर बटे नहीं है, कटे गयो है। कटे गयो है? वो तो ऑफिस भी नहीं जावे आजकल। मामा साहब को ठाकुर साहब के गांव जाने की बात बताने का मतलब और भी सवाल खड़े हो जावेंगे। के करूं मैं, के बोलूं इन्हें? अरे बिन्नी तू बता क्यों नहीं रही है? थारे से बता के गए होगे, कटे गए हो है? वो मामा साहब। अरे काहे हो क्यों बिन्नी तू बता क्यों नहीं रही है और तू घबरा क्यों रही है? ना तो मैं काहे घबराऊंगी, वो भारे से बोल कर गए हैं कि दो तीन घंटे में लौट आवेंगे। तो दो तीन घंटे के वास्ते कटे गया यो भी बता के नहीं गया? ना अब भारे को भंडारे में जरा काम है। घर में नौकर चाकर भी नहीं है, रणवीर भी कटे गयो तो को है। कुछ ना कुछ तो बड़बड़ है, तो लगाना पड़ेगा, समझो? लेट्स गो। भांजे कल से तू टल्ली पड़ा था और यहां न जाने क्या खिचड़ी पक रही है। कल रात का हमारा हैंगओवर नहीं उतरा और आप मारे को कहानी सुना रहे हो। अरे भांजे मैं थारे को कहानी नहीं सुना रहा हूं, कहानी में जो ट्विस्ट आ गया ना उसके बारे में बता रहा हूं। रणवीर का कहीं पत्ता ही नहीं है भांजे। कटे गया अभी वो? अरे यो ही तो सवाल उठ रहे हो भांजे, किसी को जवाब रुक्मी के पास भी नहीं है कि रणवीर कटे गए। रुक्मी को ना मालूम है मतलब?
मतलब यो भांजे, किसका तीन मतलब निकल सके। पहलो यो कि रणवीर की याददाश्त वापस आ गई है। दूसरो मतलब यो कि रणवीर ने पतो चल गया है कि जो उसके साथ हुआ है वो क्या हुआ। और तीसरो मतलब यो भांजे कि वो अपने पागलपन में कहीं चला गया है। पण भांजे, इन सब का मतलब ये हुआ भांजे कि रणवीर गयो तो कटे गयो। मामा साहब, आपके पहले दो सवाल खारिज हो जावे, क्योंकि अगर रणवीर की याददाश्त वापस आ जावे तो मारे सामने आके खड़े हो जाएगा और मारे से सवाल करेगा। मामा साहब, आपके तीसरे सवाल पर गौर करना होगा, क्योंकि रणवीर को याद ना होने की स्थिति में वो रुक्मी को बिना बताए कटे गया होगा, या रुक्मी हमें जानबूझकर ना बता रही है। भांजे, थारो यो सवाल वैलिड है, इसलिए पतो लगा रणवीर कटे गयो। लगा फोन लगा भांजे, क्योंकि रणवीर को थारे पे विश्वास है, थारे फोन को उत्तर वो देगा। लगा फोन। जी दीप भाई सा। अरे छोटे कट्टे, तू, मैंने सोचा हम दोनों साथ मिलकर नाश्ता करेंगे, पर तू तो घर में ना है, कट्टे है? हाँ, वो मैं सासू मासा से मिलने उनके गांव आ गया था। मदन सिंह के घर में क्या हो गया? वो ठीक तो है ना? वो दरअसल उनकी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं एक बार देखा हूँ। मैं बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से भाई साहब, घंटे भर में पहुँच जाऊँगा हवेली। हाँ ठीक है छोटे। मामू साहब, रणवीर अपनी सासू माँ की तबीयत पूछने वास्ते गाँव गया है, तो रुक्मी ने आपको कहीं ना बताया? मैं बोलियो ना भांजे, कहानी में ट्विस्ट है। रणवीर, रुक्मी और रसाल की कहानी में ऐसो डेवलपमेंट आया जो हमें पता नहीं है। लेट्स रिवाइंड द स्टोरी एंड लुक फॉरवर्ड, समझो? लेट्स गो। जब ऐसा ने दीप से झूठ का ही बोलियो कि मारी तबीयत खराब है, इसका मतलब कि जवाई सा ने अभी तक अपने परिवार वालों को रसाल और विक्रम वाली बात ना बताए हुए। बोलिए सासू मां, मुझे आपका जवाब चाहिए। अपने इस फैसले में मुझे आपकी सहमति चाहिए। जवाई सा, मारी सहमति से पहले आपको अपने परिवार से उनकी सहमति लेनी होगी। और मारे को ना लागे है कि आपने उनको इस बारे में बतायो भी है, कि वो लोग आपको सहमति ना देवेंगे। और मैं भी ना चाहूं जवाईसा कि वो लोग इस बात से सहमत हों। अब मारे को भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है जवाईसा। अब मैं उनके सामने आपका ये प्रस्ताव रखकर पूछूंगी कि अगर आप मेरे परिवार वालों से बात करके मेरे इरादे को रोकने की सोच रही हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी सासू मां, क्योंकि मैं अपने इरादे का बहुत पक्का हूं। और आप ये मत भूलिए, मेरी सलामती की खातिर रसाल को हवेली में पराई बनकर रहना पड़ रहा है, और आप रसाल की सगी मां होने के बावजूद रुक्मी की मां बनकर मेरे सामने आई थी। सिर्फ मेरी खुशी के खातिर मेरे घर वालों ने आज रुक्मी को हवेली की बीदनी स्वीकार कर लिया है। और अगर इतना सब कुछ देखने और समझने के बाद भी आप विक्रम और रसाल की शादी नहीं होने देना चाहती, तो उनकी शादी शायद ना हो, लेकिन मुझे रसाल से अलग होने से कोई नहीं रोक सकता, मेरे घरवाले भी नहीं। मगर आप घबराइए मत, आपकी स्वीकृति के लिए मैंने आपको डराया जरूर है, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। मैं रसाल को तलाक तभी दूंगा जब वो विक्रम से शादी के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं रसाल को अपने प्यार के लिए तड़पता नहीं, बल्कि विक्रम के प्यार के साथ आबाद देखना चाहता हूं। दो पिछड़े हुए प्रेमियों को एक बार फिर से एक करना चाहता हूं, और इसलिए अपने परिवार वालों से पहले आपकी स्वीकृति लेने आया। सासू मासा, आपकी बेटी के भविष्य के लिए आप मेरा साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए मुझे, ना कि उसमें रुकावट पैदा करने के लिए रास्ते खोजिए। आप इस बात से चिंतित हैं ना कि जिस बेटी को आपने हवेली की रानी बनाकर भेजा था, अब एक रंग के हाथ कैसे सौंप दूं, है ना? आपने विक्रम को दौलत के तराजू में तोला है सासू मासा,
एक बार उसे प्यार के तराजू में तोल के देखिए तो आप पाएंगे कि वो कितना अमीर है। आपकी बेटी को खुशियों से नहला देगा वो। अगर अब भी आपको विक्रम की गरीबी मंजूर नहीं है तो मैं आपको वचन देता हूं सासू मां, अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मैं विक्रम को दे दूंगा। आपकी बेटी रसाल को कभी ना खत्म होने वाली दौलत दूंगा। विक्रम को एक बड़े बिजनेसमैन की तरह एस्टैब्लिश करूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। अब तो आपको विक्रम और रसाल की शादी से आपत्ति नहीं है ना? मसा, अब कैसे पता लगाएंगे कि पिछले 24 घंटे में अटैक क्या हुआ है? हवेली में दास दासियां भी दिखाई नहीं दे रही है, समझ में नहीं आवे पत्तो लगावे तो कैसे लगावे। खमा गणी, गणी खम्बा कठे थे तुम लोग? ठकुरान रुकमीसा को हुकुम हुए तो हम तो बाहर हवेली के काम कर रहे थे। वैसा आपकी खिदमत में कोई सेवा? हाँ जाओ। आपने तुम्हारे को बोला कि कोई दास है ना दासी, ये कौन है? अरे सच कह रही हूँ भाणजे, जब बैठे हमारा हैंगओवर उतरा नहीं है। और आप आने दे घर वालों को, किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए कि 24 घंटे में तू शराब में डूबो हुए थे। कंट्रोल योर हैंगओवर। भाणजे सब आ रहा है, कैसे अभी काम करेगा पता? अरे दीप बेटा, घर में सब ठीक तो चल रहे हो ना? अरे जीजो साहब, दीप बहुत रेस्पॉन्सिबल हो गया है। 24 घंटे में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस ये तो घनी अच्छी खबर है। अरे सबके वास्ते पानी वानी लाओ। जीते रहे, खुश रहो बेटा। गायत्री ताईसा की मासा की तबीयत ठीक है ना ताईसा? ठीक है, पर रणवीर कठे है, दिखाई नहीं दे रहे हुए। रणवीर तो मदन सिंह के गांव गया। क्यों? वो सुनने में आया कि रसाल की मासा की तबीयत खराब हो गई है। हरी माँ की तबीयत खराब है? ठाकुर साहब हमारे मायके गए? कहीं तने ना मालूम है? हारे को बतायो हो तो मालूम हो तो ना। बड़े अचरज की बात है, रसाल की मासा की तबीयत खराब है और रणबीर ने थारे को बतायो भी ना। आपने मारे को क्यों ना बताया? मालूम था ना आपको? ना रसाल बिनणी, या बात रुक्मी बिनणी ने भी नहीं मालूम था। बाबा साहब, मैंने सवेरे से रणवीर को ना देखियो, इसलिए मैंने मामा साहब को भेजा है रुक्मी के पास। रुक्मी ने बताया कि रणवीर ये बोल के गया है कि 2-3 घंटे में आ जाएगा। मारे को चिंता होगी इसलिए मैंने रणवीर को फोन लगाया। उसने मारे को बताया कि वो रसाल के गांव जा रहा है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। पर हैरानी इस बात की हो रही है कि रणवीर ने रुक्मी और रसाल को भी ना बताया कि वो उसके गांव जा रहा है अपने सासू माँ से मिलने। कमाल है, रसाल की मासा की तबीयत खराब है और रणबीर ने रसाल को बतायो भी। हमारे को तो बड़ा ताज्जुब है। जी जी, इससे भी ताज्जुब की बात है कि रणबीर की याददाश्त चलेगी और रुक्मी हमेशा भी के साथ रहे, फिर भी रुक्मी ने रणबीर को अकेले जाने दियो। आप सबने नहीं लागे कि रुक्मी ने ठीक नहीं करियो? रुक्मी तू तो जाने कि रणबीर की हालत क्या, फिर भी तूने उसे जाने दिया? या फिर ऐसा तो नहीं है कि तू जान है और रसाल वास्ते तूने झूठ बोला? बोल रुक्मणी, थारे को पता है ना कि रणवीर की दिमागी हालत ठीक ना है, फिर तूने उसको अकेलो काहे जाने दिया?